और योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और बजट जब भी प्रस्तुत किया गया है वो एक निश्चित थीम के साथ प्रस्तुत किया गया। अगर आप देखें कि 2017-18 में जब प्रदेश में पहला बजट हमें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था तो बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। वर्ष 2018-19 में प्रदेश का जो बजट था वह प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित किया था, उस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना बजट प्रस्तुत किया था। 2020-21 का बजट यह वह कालखंड है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना हमें करना पड़ा था, वह था प्रदेश के युवा शक्ति के लिए, उनके कौशल विकास, रोजगार था, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बाधित न हो, इसके लिए समर्पित था। 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके स्वावलंबन से सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। तो आज मेरे सहयोगी वित्त मंत्री खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था,
आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, 130 जो हमारे वायदे थे, आज के इस बजट प्रस्तुत करने के साथ उनमें से 110 वायदों को हम इसके साथ इसमें समाहित किए हैं। पूरे बजट में अगर आप उसका बजट पर ध्यान देंगे तो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित हैं और उसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। मित्रों, प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है। इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में, मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे तो ये 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को पार कर रहा होगा। प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है, जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजस्व कर को, कर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया, उसके कारण ये प्रदेश के अंदर हो पाया है। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स, उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई, आम जनमानस को राहत मिला। लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं।
प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है, उसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था, यानी जो हमारा स्वयं का रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था वो उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था। शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम करते थे या फिर उसके बारे में कोई भी हम साइलेंट रह पाते थे, इसका मतलब ये सब घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद, बजट को हम लोगों ने लगभग 45-46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के जो परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। 16-17 में 20% से अधिक वित्त पोषण ये ऋणों के माध्यम से होता था, लेकिन आज 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें मात्र 16% ही ऋण के माध्यम से रह गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 16-17 में 8% जो बजट था वह पुराने ऋणों के भुगतान में खर्च होता था और आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मात्र 6% जो बजट का भाग है वही हम पुराने ऋणों के को वहन करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर इस दौरान अगर आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर के बारे में भी आज सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बहुत स्पष्ट घोषणा की कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये 17-18% था, आज ये मात्र 4% रह गया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, नए रोजगार सृजित हुए, सिक यूनिट को खासतौर पर एमएसएमई यूनिट जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार था उसको पुनर्जीवित किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हम लोगों ने केंद्र से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को लागू करने का परिणाम क्या था, उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बेहतर हुआ है। जो 16-17 में मात्र 46% था आज वो 55% हो रहा है। यह प्रदेश के अंदर की वर्तमान की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है और साथ साथ अगर आप देखेंगे 12-17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल 5,90,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए थे और 17-22 के बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने जो यहां पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग वह 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और ये अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी प्रदेश के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में हैं। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। बुंदेलखंड में भारत सरकार और जर्मनी की सरकार की सहायता से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए भी यहां पर प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान करने का कार्य किया गया है। प्रदेश के अंदर अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और फिर अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगर निकायों को, खासतौर पर जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इस नगर निगम को भी उन्हीं तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हम लोग प्रदेश में नेट जीरो की तरफ जा सके। हमारे शहर, आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइट में हम लोगों ने ESSL के साथ मिलकर के बदला था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।